तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है हॉर्निस्टन ड्रोन और इसका आज हम रिमूव करने वाले हैं और इसकी क्वालिटी और इसका बैटरी बैकअप आज इसकी एक एक चीज़ हम चेक करने वाले हैं। रिमोट के अंदर हमें काफ़ी सारी की मिल जाती हैं जिसका प्रयोग करके हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें कई सारी की मिल जाती हैं, इनका प्रयोग करके आज हम आपको दिखाते हैं। इसमें हमें मिल जाती है 1 key टेक ऑफ जिसका प्रयोग करके हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने है गोलू और ये ड्रोन में 1 key टेक ऑफ बटन और 1 key लैंड बटन का प्रयोग करने वाले हैं। तो 1 key टेक ऑफ बटन का प्रयोग करिए, देख सकते हैं 1 key टेक ऑफ बटन का प्रयोग हो चुका है। अब 1 key लैंड बटन का प्रयोग करिए, ये देख सकते हैं 1 key लैंड से लैंड हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमें मिल जाता है फ़िलिप का बटन जिसका प्रयोग करके हम आपको फ़िलिप करके दिखाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ये फ़िलिप बटन का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए फ़िलिप बटन का प्रयोग करिए, पहले ड्रोन को उड़ाइए फिर फ़िलिप बटन का प्रयोग करिए। फ़िलिप बटन का प्रयोग करें, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं ड्रोन हमारा जो है उड़ रहा है। अब 1 key लैंड से लैंड कर, लैंड करिए 1 key लैंड से, देख सकते हैं ये लैंड हो चुका है। ये देख सकते हैं फ्लिप बटन का प्रयोग करने वाले हैं, फ्लिप बटन का प्रयोग करें। ये देखिए फ्लिप बटन का इन्होंने प्रयोग किया, फिर से फ्लिप बटन का प्रयोग करिए। वन की लैंड करिए, हॉर्निस्टन ड्रोन जिसकी आज मैं फ्लिप बटन का प्रयोग करने वाला हूँ। तो चलिए अपने ड्रोन को उड़ाकर इसमें फ्लिप बटन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ड्रोन ऐसे फ्लिप नहीं करेगा, जब ये फ्लाई करेगा उसके बाद ही ये फ्लिप करता है। तो अब हम इसमें फ्लिप बटन का प्रयोग करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिप बटन। तो आप लोग देख सकते हैं इस हॉर्निस्टन ड्रोन का प्रयोग मैंने सबसे पहले मैंने अपने ब्रदर गोलू से कराया, उसके बाद मैंने इसका खुद ही प्रयोग किया। तो उनकी तरफ से जो रिव्यू था वो उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिव्यू था कि ड्रोन काफ़ी स्टेबिलिटी के अंदर है और इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही है, और मेरे हिसाब से भी यही रिव्यू था। तो आप लोग देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप ये ड्रोन ले सकते हैं। मेरा ये रिव्यू यही है कि आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और रिमोट कंट्रोल जो है देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, 2.4 GHz का है कैमरा के बारे में, और जो कैमरा है इसका कैमरा क्वालिटी भी हमको अच्छी मिल जाती है, स्टेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है और बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से इसको परचेज़ करना आपके लिए एक फ़ायदेमंद सौदा रहेगा। तो आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस रेंज 2799 के अंदर मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस है। तो आप इस प्राइस में मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में जिसको मैंने फ्लाई करने के लिए दिया था, अब वो इसका रिव्यू देंगे आके, ठीक है। 1, 2, 3 start। तो हमें इस ड्रोन के अंदर काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है, जो मेरे हाथ से काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो रहा था। तो मेरे हिसाब से इस रेंज में सबसे बेस्ट ड्रोन है, तो आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं बिना किसी डर के। हमने जो है सबसे पहले ड्रोन का स्टेबिलिटी चेक की, ड्यूरेबिलिटी चेक की और बैटरी लाइफ चेक की। अब उसके बाद हमने चेक किया आरसी फाइटर प्लेन की स्टेबिलिटी चेक की, जिसमें सब लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया है। अब हमारे सामने देख सकते हैं हमारे पास है आरसी हेलीकॉप्टर, जिसका आज हम फिर से रिव्यू देने वाले हैं। क्या इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है? तो हम सब लोग इसके ट्राई करेंगे और आपको रिव्यू देंगे। चलिए हम सबसे पहले इसको हम ट्राई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा आरसी हेलीकॉप्टर है, आरसी हेलीकॉप्टर वो हमारा कनेक्ट हो चुका है, और ये है हमारे हाथ में रिमोट, देख सकते हैं ये है हमारे हाथ में रिमोट। यह मोबाइल ना, मोबाइल ऐसे नहीं करें। तो हम इसको फ्लाई करने वाले हैं, देख सकते हैं इसकी फ्लाई, देख सकते हैं ये देखिए, ये देखिए ये इसकी फ्लाई आप लोगों ने देखा। मेरे हिसाब से जो है मैं इसका अभी रिव्यू पूरा नहीं देता हूँ, अभी फिर से इसको उड़ा के देखता हूँ। चलिए
इस आरसी हेलीकॉप्टर जो है फ्लाई किया है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको अच्छी तरीके कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो कि बहुत ही बैड बात होती है, बहुत ही बुरी बात है। तो मेरे हिसाब से मैं इसका रिव्यू जो है 5 में से सिर्फ 1 स्टार इसको देना चाहूँगा। तो अब हमारे इसको जो है फ्लाई करने वाले हैं गोलू भाई, हम फ्लाई करके देखते हैं और इसका रिव्यू बताते हैं कि मेरे हाथ से कैसा कंट्रोल होता है, क्योंकि निशु के हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल हुआ है, वो बोल रहे हैं कि इसकी एकदम बेकार क्वालिटी। तो आइए हम भी ट्राई मार के देखते हैं इसको। ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल नागिन डांस करते हुए एकदम बेकार, एकदम घटिया प्रोडक्ट है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी तरीके से। और देखिए मैं इसको बंद भी कर रहा हूँ, ये भी बंद भी नहीं हो रहा है, ये मेरे हिसाब से एकदम बेकार है, किसी लायक नहीं, ये सच में एकदम से बेकार है, किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। तो फाइनली गाइस आप मेरे हाथ में देख सकते हैं आरसी हेलीकॉप्टर है, तो मैं आज इसका रिव्यू देने वाला हूँ। तो फाइनली गाइस मेरे निशू भाई और गोलू भाई ने ट्राई करके देख चुके हैं, तो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। भाई ये एक नंबर बैड प्रोडक्ट है, इसको चले 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 तो ये बिल्कुल बैड प्रोडक्ट है, आप जो लोग इसको परचेस मत करना, क्योंकि ये बहुत बैड प्रोडक्ट है, तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये एकदम घटिया प्रोडक्ट है, अगर आप ले लिए तो बर्बाद हो जाओगे, इसीलिए लेना मत ये प्रोडक्ट। मेरे पास है आरसी फाइटर जेट, जिसका आज हम पूरा हॉनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं। तो हॉनेस्ट रिव्यू इसका मैं सिर्फ अकेले नहीं दूंगा, मेरे पास है 3 लोग, सब लोग एक एक करके इसका हॉनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फ्लाई करूंगा, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसको फ्लाई करते तो चलिए इसको फ्लाई करते हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी, अपनी तरफ ना होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए लैंड कर दो। आप लोगों ने देखा कि मैंने इसे फ्लाई किया और मेरे हिसाब से जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो एक नंबर परफॉर्मेंस थी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो हमको मिल जाती है वो नंबर 1 क्वालिटी की स्टेबिलिटी मिल जाती है हमको, आप लोगों ने खुद ही वीडियो में देख लिया है। अब इसको हमारे गोलू भाई इसको फ्लाई करने वाले हैं, अब इसका रिव्यू वो देंगे। इसका ट्राई निशु भाई ले चुके हैं, आइए अब हम इसको ट्राई मार के देखते हैं कि ये हमारे हाथ से कैसा कंट्रोल होता है, फिर आपको हम इसके बारे में कुछ बताते हैं आगे।
तो ये हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है, मेरे हाथ से भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो रहा है। तो ये मेरे हाथ से तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो रहा है, वाकई में ये लेने लायक है और ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो रहा है, तो गुड प्रोडक्ट है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो फाइनली गाइस हमारे गोलू भाई और निशु भाई ने ट्राई कर चुका है, और चलो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। चलिए ट्राई करें। गाइस ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसको लेने के लिए बढ़िया है लेने में। लैंड कर नीचे, नीचे नीचे डाल दो, लैंड दबे रहो नीचे दबे रहो। या यार ये दिखाओ यार, एकदम दौड़े उड़ाई जा रही है, मस्त उड़ा है। ये कितने मिल रहा है? भाई ये बैक फ्लिप बढ़िया मार रहे, बैक फ्लिप वन की टेक ऑफ, वन की टेक ऑफ, वन की टेक ऑफ। हाँ कर लो लोगों ने देखा, ये जो तीन प्रोडक्ट है तीनों प्रोडक्ट का जो है हॉनेस्ट रिव्यू दिया गया है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैंने झूठ बोला, क्या सब लोग झूठ बोल लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों ने आपके सामने अप्लाई किया, लाइव इसका डेमो दिया है। जो अच्छा अप्लाई हो रहा था उसको अच्छा कहा गया, और जो एकदम गंदा अप्लाई हो रहा था उसको बेकार कहा गया, और बोला गया कि अब इसे बिल्कुल भी परचेज मत कर देना, आप इसे बिल्कुल भी परचेज मत करना। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं ये ड्रोन की क्वालिटी और इसकी स्टेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी बैटरी लाइफ आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और इसकी कैमरा क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये RC फाइटर प्लेन आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है RC फाइटर प्लेन, इसके अंदर हमें कोई कैमरा नहीं मिलता है, और इसकी स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और तो इसके अंदर आप दिखाई दी आपको लाइट में कैसे ये उड़ रहा है, सब कुछ बता दिया वीडियो के अंदर, आप इसको देख सकते हैं। सबसे घटिया प्रोडक्ट, इसके अंदर हमें कैमरा मिल जाता है जो कि एकदम बेकार है, सेंसर मिल जाते हैं कोई काम के नहीं है, उसके साथ इसके दो दो मोटर मिल जाती है, मतलब ये अनकंट्रोलेबल है, अनकंट्रोल्ड है, बेकार है एकदम। सब लोगों ने इसको बेकार ही रिव्यू दिया, तो मैं भी इसे बेकार ही कहूँगा, अब इसे बिल्कुल ही परचेज मत करना, एकदम घटिया क्वालिटी, हटाओ इसको फेंको।